आज कोरावली के मंगोड़े खाने। सामान कैसे भरा हुआ है पीछे गाड़ी में, कालू जा रहे हैं अब दिल्ली। पीछे उतर रही हैं अम्मी। ना जाते तुम देख लो कौ और कहाँ जाइयो। गरम आ रहा है गोलगप्पा बनवाया था ये देखो। देख लंगड़ो चल सही। ये इधर चल रहा है नाश्ता भाई के लिए छोटी वाली केतली में, क्योंकि भाई कम मीठी पीते हैं। अच्छा ये देखिए इसमें कम मीठी चाय है और इसमें मीठी चाय है, क्योंकि अब्बू कम मीठी पीते हैं इसलिए। इन लोगों को केदली देखिए नानी गला सामान कैसे भरा हुआ है पीछे गाड़ी में, कालू जा रहे हैं अब दिल्ली। तो अभी यहीं रुकेंगे। अब इन्हें देखो अब क्या इतना टाइम और एक घंटा रुक जाते आराम से रोटी रोटी खाएगा। और अब क्या 4 बजे तक 4 बजे तक गली काट दी। चलो चलो न सो दो न सो। जा रही है नाजिम खाला। चलो आरिस भाई फिर मिलेंगे। बाय बाय करो। ओए बाय तो कर। ये देखो ये रहो ये एंगल ये लटका रखा हैगा। तुम भी जा रहे हो मामू? अरे हम भी जा रहे हैं भाई, देख लो घूमने जा रहे हैं, भाई के गाड़ी में जा रहे हैं बैठ के। बहुत अस्सलाम वालेकुम। नाना हमें दिखाने ले जा रहे हैं अपने पेड़ पौधे। टमाटर कहाँ है? ये टमाटर है। हाँ टमाटर ऊपर लाल नहीं है नाना? लाल वो नीचे भाई है। अच्छा लाल है ये नीचे लगे। ये देखो कितने बगल हो लगो टमाटर। ये पपीते का है, ये वाला पेड़ पपीते का है। ये धनिया के पेड़ हैं, धनिया के वो हैं पौधे छोटे छोटे। इधर देखिए नाना आग जला रहे हैं। देखिए टमाटर पेड़ में से निकाला है, ये यहाँ पे पेड़ लगे हैं ना उसमें से निकाला है। कितना अच्छा लग रहा है। अम्मी को ये नीचे उतर रही हैंगी अम्मी, यहाँ नीचे उतर रही है वाली छत पर। अम्मी हम लोग आराम से पत्थर है आराम से। ये देखिए अम्मी उतर चुकी है। क्या हुआ तुम तो बिल्कुल रेडी वेडी हो गई। इधर तो देखो हिरम हिरम नाना। इधर देखो नानी बना रही है पानी की रोटी। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये पानी की रोटी और ये है चटनी और ये है घी, घी डाल के खाओ। और ये है मठा। इधर है नारी, सब लोग खाना खा रहे हैं। गजरे खा रहे हैं, हम गजरे खा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कुरावली। अम्मी बोल रही तैयार हो जाओ। नाना कह रहे ऐसे ही चले जाओ। बताओ क्या कर रहे हैं? जो नाना कह रहे तुम्हारे मुंह पे गोबर लगवाएगा। नाना कह रहे हैं हमारी लड़की मुंह पे गोबर लगवाएगा जो तुम तैयार होने की लगी हुई तैयार होकर ले जाओ। ये बताओ जो पुट्टी मोदी जा अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा तुम्हें? अंधेरे में लगाओ लगाओ लगी पड़ी है वो अंधेरे पर पोतरे मोद लगा फाउंडेशन पोतरी। ये देखिए यहाँ चल रहा है धान काटा जा रहा है। धान हाँ घास घास काटी जा रही है। इधर नानी और अम्मी काट रही हैं घास। बरसीन बोलते थे ये बरसीन है और इसे काटा जा रहा है भैंसों के लिए। भैंस के लिए चारा बनना है। हाँ देखिए मामू भी गाड़ी निकाल के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स कुरावली गुलाबपुर की जो मेन मार्केट है ना यहाँ पर कुरावली, वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग वहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसी है गुलाबपुर की कुरावली। चलिए इस जन्म में चल पाएंगे क्या?
ये बताओ मैं इंतजार करके थक गई हूँ, इतनी देर से ये तैयार हुई हो, ये इतनी देर की मेहनत ये है। कच्ची पुट्टी हाँ कच्ची पुट्टी ये पुती है इतनी देर में। ये बकरी अरे भैया आलू भूंजे हैं अपनी बहन से, इतनी मोहब्बत है मामू को है। एक आलू छील ला बस भून ला है। तुम्हारे सामान में निकलते होंगे मामू, सही है मामू चलो। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और फ्रेंड्स काला को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने वाली है, इसलिए पहले से ही गर्दन बाहर है। तो और पीछे भी गाड़ी आ रही है, वो दिख रही है अब्बू अम्मी उसमें मामू और मोमानी है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Buggo, oh Buggo, hi to karo, hi kar do. कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है, पूरा ग्रीन हो रहा है। यहाँ पे आलू गड़े हुए हैं, ये सरसों है, पीली सरसों, इतने सारे बगुले बैठे हैं यहाँ पे, वो रहे वाई फाई दिख रहे ना आपको। ये कौन से जवान है तो गाने चला रहे वहाँ गाना सुनाई वाला एक बार और मुझे ये ना कबूतर बन गया, एक बार और बजा दे कबूतर वाला गाना। हमारी वीडियो बना रहे हैं, हमें वीडियो बना रहे हैं, हमारी बना रही है। यहाँ पे ये खड़े हुए हैं ना, ये डराने के लिए होते हैं ना, पक्षी पक्षियों को डराने के लिए होते हैं वो। अच्छा लगता है मुझे गाँव का, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए पुलिया है, ये देखिए पुल देख लो, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है वो सामने नील का है, ये देखो। अरे यार बहुत जूम हो रही है बहुत जूम हो गई, ये देखो नील गाय कितने सारे हो रहे। हम लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ और वो देखिए वो बैल दिख रहा है, बैल है ना, बड़ा यार सजा दगा है बैल को। ये है कुरावली। ये मंकी को अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, उधर एक मंकी है, एक मंका है और उसके बच्चे हैं। का कार ना जाते, तुम देख लो कबू और को कहाँ जाइयो, हाँ टम्पुआ देख लो, टम्पुआ जाते हैं, टम्पुआ जाते हैं, टम्पुआ जाते तो तीसरे का मांगा है। अरे तो मैं क्या करें, तो देख लो जाए, ये ना दूसरी गाड़ी। पता फ्रेंड्स क्या हुआ अभी वो अंकल आए है ना, कहने कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे जाएगी ये कार, वो सोच रही है वो नहीं होती सवारी लेकर जाते हैं, वाली कार है। 10 रुपया जगह हम 10 रुपया हम पे 30 रुपया टेम्पू का मांग रहे हैं, हम पे रुपया ही ना 10 रुपया। अच्छा तो अभी देखिए हम लोग फ्रेंड्स कुरावली आ चुके हैं और ये है यहाँ की कुरावली लड़की, ये देखिए ये पूरी मार्केट लगी हुई है, ये देखो इधर देखिए सभी लोग अब रोड पर बैठे खड़े हुए हैं। ये देखिए ये है कुरावली का थाना, क्या ये बताओ ना, मार्केट बता दो ना। हाँ ये कुरावली की मार्केट है, ये कहाँ पता नहीं करी मार्केट, ये खाने पीने वाली है ना,
वो कपड़ों वाली थी उधर, इधर अब आई है। अब हम लोग जा रहे हैं एक चीज खाने, वो वहीं दिखाएंगे आप लोगों को। बिरयानी में मिलती है पर पता नहीं कैसी होगी, टेस्ट नहीं बनेगी। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं आज कोरावली के मंगोड़े खाने, मंगोड़े खाने के लिए आए हैं। और देखिए सभी लोग आए हैं यहाँ पे। कोरावली के मंगोड़े जो होते हैं ना वो बहुत फेमस होते हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। जब मैं पहले आई थी ना मैं तब भी मैंने मंगोड़े खाए थे, और इस बार आई हूँ तो फिर भी खा रही हूँ। जब भी हम कोरावली आते हैं तो मंगोड़े जरूर खाते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। है मंगोड़े की दुकान, ये देखिए ये है मंगोड़े, यही हम लोग खाएंगे। टिक्की बनवा रहे हैं, ये टिक्की की दुकान है। ये देखिए ये है यहाँ के मंगोड़े, ये देखो ये ऐसे होते हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, एकदम क्रंची क्रंची होते हैं। हम उन्हें खाना भी चालू कर दिया है। कैसे है, बढ़िया? एक मिनट गरम। चलो ट्राई करते हैं, मुझे तो ये वाले अच्छे लगते हैं, चटनी वाले, हरी चटनी वाले। ये देखिए ये यहाँ की टिक्की है, ये बिना मटर वाली है और ये मटर वाली है। टिक्की बनाई जा रही है, मुझे भी जरा टेस्ट कराओ कैसी है। थोड़ी सी एक नहीं वाला तुमने बिल्कुल मिक्स कर ली, मंगोड़े। ये टिक्की गिराने के चक्कर में ये देखा किधर ही जाम है, क्या किया तुमने? फिर से मंगोड़े मंगाए और मंगोड़े मंगाए इधर इधर। ये मिर्च भी है। हम लोग आए गोलगप्पे खाने के लिए, हम अपने अपने प्लेट पकड़े हुए हैं। क्या कह रही हो तुम, कहती भैया ना गीली गीली ऐसी ना है। हाँ क्या कह रही थी, वो छुपा लिया बड़े से बड़ा। इनको भी दो पहले कटोरी दे दो, ये दे दो इनको कटोरी। देखिए एक घंटे में आ पा रहा है गोलगप्पा, पानी जाते इनको दे दो भैया। तुम ये पानी पी रही हो, गोलगप्पा खत्म हो गए? नहीं ना काका पानी भी लो। उन्हें दिए मूंगफली, देखिए अम्मी को बना दिया कुली, सामान ले लेकर चल रही है। इधर लिया जा रहा है ये पपीता। कुरावली में पिज्जा भी मिलता है, रुपए का पिज्जा 70-60 मीडियम। अच्छा स्वीट कॉर्न पिज्जा यहाँ पे मिल रही है, बिरयानी उधर मिल रहे हैं, मोमोज और उधर आगे मिल रहा है डोसा पिज्जा। पूरी आया है ये कोल्ड ड्रिंक, ये लो चॉकलेट खा लो। पहले मेरे दोस्त को हेलो करो, मेरे दोस्त को ना जल्दी आओ। ले लो, ओ वाओ, देखो कोल्ड ड्रिंक। ये बस से जा रहे हैं लोग अपने अपने घर। हम लोग कुरावली से आए और नानी ने यह खाना ही बना लिया, इतना खा कर आए फिर भी। ये देखिए क्या बनाया है, हाँ देखो ये पपीता अमरूद और ये सामान बहुत सारा। ये क्या बनाया नानी ने देखो, अरे बना दिया नानी ने देखो बहुत आलू। जो सब्जी बन रही है इधर, मामी ने गूंदा है आटा। मेरी बिट्टी 5 महीने की थी। कौन सी वाली बिट्टी? अब नानी से कहते जरा मेरी बताओ तो बताओ नानिया, तुम्हारी कौन सी वाली बिट्टी? मेरी बड़ी बिटिया फातिमा 5 महीने की थी। हाँ जब मेले आए थे तुम्हारे मामा जी, अच्छा यहाँ नाना जी तुम्हारे ले आए थे, जब मैंने खेलने के लिए एक बेलन बनवाया था, पटरा बनवाया था, एक कटोरी। ये देखो दिखा दो जरा अपना बेलन चकला, कितना पुराना है नानी का? इतना पुराना है ये, 50 साल पुराना है बेलन। नहीं तो 50 ही नहीं, 50 साल पुराना हो यो। ये नहीं 50 का नहीं, 40-45 का होगा। 10 साल मैंने पुराना बनवाया था ये बेलन, और एक कटोरी भी बनवाई थी बेटिया के लिए खेलने के लिए, छोटी सी थी, सबकी लाडली थी, सबसे बड़ी बहुत प्यारी लाडली थी। मेरे गांव में मैं सज सज के लोग देखने आते थे कि चलो उनकी देवती देखे हैं कितनी सुंदर है, और लोग आते थे, लोग बाग आते थे, मैं अपनी गली में लेके जाते थे तो सारे लोग देखते थे मेरी बिट्टी को, सारे लोग खिलाते थे।
तो बहुत प्यार करते थे बच्चे को, इतना प्यार करते थे। अब इतनी बड़ी हो गई भाई बिटिया तो, अब मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई, उसे बहुत प्यार करते थे अपनी छोटी बेटी के लिए। मैं कचौड़ी भी बना देती, देख लो अम्मी को इतना प्यार मिला है नानी से, मक्खन खिलाते थे उतार उतार के, जब मैं अपनी भैंस दूध जाओगे तो मक्खन खिलाते थे अपनी बिट्टी के लिए, गोदी में लेटा लेते थे, खाना बना लेते थे। तो मुझे एक पूरी कर दो माई, मुझे नानी मुझे एक पूरी कर दो, एक कचौड़ी बना दो नानी, रोटी बंद करके एक पूरी भी तय बनाते थे, एक कचौड़ी भी बनाते थे। हाँ मम्मी तो बहुत तारीफ भी करती हैं। मेरी बच्ची कहती थी कि मैं एक मक्खन खाएंगे तो मैं दूध की गिलास लेके, मैं खाना बना देते बंद करके, तो मैं खाना में रबड़ी बना देते थे अपनी बच्ची के लिए, रबड़ी बनाते थे। तो वो कहती थी मुझे बहुत अच्छी लगती है रबड़ी, जब रबड़ी बना देते थे तब कहती थी मुझे हड़िया में बरोसी में दूध उबाल दो, मैं अपनी मलैया का दूध क्या दे दे, तो मैं अपनी बच्ची के लिए मलैया हड़िया में दूध उतार देते कंडों। तो क्या हो गया नानी को बता रहे थे अपनी बात है, अपनी बच्ची के लिए जारी उतार के, तब कह देती थी मेरी बच्ची में जारी से रोटी खाएंगे, तो मैं जारी से रोटी खिलाते थे मेरी बच्ची के लिए। तब संतरा वाली टोपी चल रही थी, तो मैं कहती थी झगड़ा करो करती थी मेरी बच्ची, आज छोटे छोटे थे मेरे, एक दो एक लड़की होती थी तो मैं लड़ाई करते थे, मैं एक नहीं लेंगे मैं दो लेंगे टोपी, कौन सा लड़का लड़की तुम्हारा, नाम तो बताओ। फातिमा हसीना आसीन, अच्छा झगड़ा करते थे कहते थे, तभी हमें तीन लेंगे और तीसरे ये अली मोहम्मद आ जाते थे, क्या कहते थे इसी दिन सारी चीज खिला देते थे, मुझे नहीं देते थे। मैंने छोटे छोटे बच्चे पाले थे, लोग मैंने पांच पांच महीने के पाले थे, एक अली मोहम्मद है, एक आलिम है, एक फातिमा भी है। तू गाय को बता देव रानी को अपने बचपन की बात, बच्चे को और लेटा दे सुला देते थे, तब मैं चाकी पीस देते थे, दो बजे रात के उठते थे तो चाकी पीस लेते थे, मेरी बेटी रोती थी माई चाकी बंद कर दो, चाकी पीस देते थे, तब चाकी काट डालते थे, तब मैं अपनी गोदों में पिड़िया पे बैठ के चक्की पे मैं अपने गोदों में अपनी बच्ची के लिए लेटा लेते थे, रोटी बनाते थे गोदी में लेटा लेते थे, बर्तन मार देते थे, मैं अपनी बेटी के लिए गोदी में लेटा लेते थे, तो मेरी बेटी कहती थी बर्तन बंद कर दो मैं मुझे ले चलो, तो मैं सारी गली घुमा के लाते थे, हमारी बेटी कहती खेत में लेके चलो, तो मैं खेत में घुमा के लाते थे। देखो हमारी अम्मी ना ज्यादातर ना नानी के घर पर ही रही हैं, अपने घर पे कम रही हैं। मेरी बेटी के लिए इतना आज दिन तलक मेरी बेटी थी जो हुई 30-35 साल की, उसी उतना ही प्यार मेरी बेटी के लिए है, मैं अपनी बेटी को लक्ष्मी समझते है अपने घर में, मेरी बेटी आ जाती तो मेरा सारा घर अशरफियों से भर जाता है, और उनके मामा तो इतना प्यार करते है, अब देख लो भारी बैठे हो हम मामा दिखाए चल के, अब देखिए चले आए नाना बता रहे हैं बढ़िया अम्मी तुम्हें उठा लाए, ये है अम्मी के मामू, रात हो गई अब मामू नाना बता रहे हैं नाना, तब फोन भाई शुरू से बताओ नाना, शुरू से बताओ अरे मुश्किल से 15 दिन की गई ना आई थी, 30 खिला दिया थी तो तुम ले आए थे, गोदी में दावे लिया खिला रहे, पूरे खानदान में यही थी लड़की, खिलाते खिलाते चले आए थे, उन्हें बैठ गए एक काउस हुई इधर, अम्मी की बात हो रही है, अरे इनके ढुनो के ऊपर कहाँ अजीज कहाँ अजीज कहाँ बिठ दिया कहाँ है, अरे हमने ये थे फिर बताई फोन करी जाने का फोन है तो फोन आते ही ना था, और जीजी बुखार आई गो तभी तो मैं गाऊँ तुम्हारे, मतलब इधर तो एक लौती थी उधर भी एक लौती थी, मैं जन भाई आए जन को दूसरे दिन जब बीमार डरी है तब फिर भैया लिवाई गई, फिर कब लाए, फिर ने ख्याल हुई कि सोच ले आई थे गाड़ी बदले गए, फिर और मड़ैया धरवाई हूँ तब स्कूल चलवाओ तब जाए पठाऊ करे, तो जाओ ना करे रोए के हमना जाए हमना जाए, तब भाई मास्टर को हम टोपी दे देते बोका दो बिक्का कर ले जे जेब में डाल रही हमारी बिटिया को बोले अहीं नो आए तब टोपी दे दी, तो जब विलंब दे करे अम्मी को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था, अरे वाह जाती नहीं थी पर्सनली नाना ने स्कूल बनवाया, वाह बढ़िया है नाना, फिर वो स्कूल ही मंजूर हो गया धीरे धीरे, बड़ी को वही है, अरे यही स्कूल है जब फिर बाद में मंजूर हो गया तो प्राइवेट था जुआ लो, हाँ जी सरकारी, जे एक तो जे नेत्रपाल नाम था बे उनका कुरावली रहने लगे, कुरावली ने खोलो स्कूल ही चला, तो बाद में मेरे बाद में देखने आए थे तब ये आए थे फातिमा, एक दिन मिले थे पता आते हैं तो पूछ लेते हैं फातिमा नहीं,
फिर थोड़े दिन इन्हें पढ़ा तुझे गाँव नटी आते रात भर रुके देखो इन्हें हम लेकर आए झटपट उठ के हड्डिया पे थे तो हम देरी से ठाड़े हो गए तो इन्हें की अम्मा ने जांच कर ली क्या देखो भैया देख ले उके बाको गोड़ फोड़ टूटो हो कैसे हो चंद सही चंद या अब वो देख रहे गए थे मामू नाना और जय देख रहा गए थे बड़ी देख लड़का हमने सही चंद को ऐसे ना लग रहे तो पकड़ जाते हो जब देख रहा हम खटिया पे तो उठ के दे दी थे हारे हो गए थे हां कि पैर में जांच कर लई हां जी ऐसे देख रहे तब मैंने कही थी देख ले लंगड़ो भंगड़ो तो ना चंद सही भाई और काका पूछी थी पापा ने अबू को देखने गए थे ना नाना वहाँ से बात कर रहे हैं वैसे ही दो तरीके तो नहीं मतलब इतना बड़ा दिन था तो दिन में नहीं गए दिन में ही गए थे तो और उतनी दूर तो हाल थोड़ी लौटे आते रात भर फिर वही धोखे थे तो रात में के लाइट जला के देखते हैं रात की बात ना बता दिन की बता दे ये बढ़िया है ना फिर दोस्त खाला मिल गई थी बकरी चलाते हुए तो भागते भागते पहुंच गए घर पे के? अच्छा एक ही तो कमरा था एक ही था तो कमरा था तो अभी वही कुठरी है तो उसमें भूस भी भरा था हाँ भूस भर दिया ना रखते तो हमने एक बार खोले को जग के देखे क्यों हम तो और हिसाब कहते हैं ना अबे जब यार सब देख लेते ना ना बिल्कुल टबक बनो तो हमारे सामने ही बनो तो फिर मतलब कैसे तुम जग के देखो तो सुबिन ने अम्मा ने फ्री गई क्या भैया देख ले भूस भरो और कचना है में भाई और भाई फिर भाई बाजी देखना है फिर भाई ने काका पूछी थी बाजी को बाजी कैसी है जीन्स पहन के आया था अबू वाली अबू अम्मी यानी जीन्स पहन के आए थे बड़ी मोटी बाजी के नए नए चश्मा चले तो चश्मा पे तो चिप्पा ही ना छुटा जाके मैं ससुरा रहा हूँ ना दी ना चश्मा दोस्ती बात है तो फ्रेंड्स से बातें तो ऐसे ही चलती रही है मैं अपने ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बस अपनी फिजा को दुआ में याद रखिए और हम खाना भी खा रहे थे यहाँ पे फी अमान अल्लाह।